हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन को कैसे एनेबल करवा सकते हैं, ज्वाइन मेंबरशिप कैसे एनेबल कर सकते हैं, उसमें मेंबरशिप के क्या क्या प्लान हैं, कैसे कैसे बनाते हैं हम, वो सारी सेटिंग मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, जिसके बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मैंने हर एक स्टेप को डिटेल में बताया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपको अपने लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसमें आपको टाइप करना है www.youtube.com, एंटर करना है और अपने चैनल में आपको लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे राइट कॉर्नर पे क्लिक करने करके आपको योर चैनल पे जाना है। उसके बाद आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है और अपने डैशबोर्ड में आ जाना है स्टूडियो के। उसके बाद जब ये सब प्रोसेस आपको तभी करना है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके कुछ दिन बाद आपको ये प्रोसेस करना है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीन चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, ओवरव्यू, मेंबरशिप, सुपर्स। यहाँ पे भी देख सकते हैं मोनेटाइजेशन ऑप्शंस, वीडियो एडवर्टाइजिंग, मेंबरशिप और सुपर्स, ये चीज़ें आपके चैनल पे इनेबल हो चुकी हैं। यहाँ पे मेंबरशिप पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इससे आपका जितना भी रेवेन्यू होगा उसका 70% आपको मिलेगा और 30% यूट्यूब को मिलेगा। और इसके बाद इसमें यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन है, जो जब हम इन सारे स्टेप्स को जो इसमें दिए हुए हैं नीचे इनको कंप्लीट कर देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा और उसके बाद हम इसे टर्न ऑन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये स्टेप है सेटअप यूअर मेंबरशिप ऑफर, इसके ऊपर यहाँ पे ये स्टार्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है हमें। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हमसे पूछेगा कि टेम्पलेट चूज़ करो जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम कितने भी लेवल रख सकते हैं, एक लेवल रखना है तो इस पे क्लिक करेंगे, 3 रखने हैं तो इस पे, 4 रखना है तो इस पे, अगर इसमें से कुछ डिलीट भी करना है वो भी हम कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे 3 लेवल्स रखना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम ये स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट के ऑप्शन आ गए हैं इसके अंदर। तो हम तीनों में अभी कोई भी नाम नहीं है इनमें, तो हम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसका कोई भी एक नाम रख लेंगे, जैसे मैंने सिल्वर रख दिया। कोई भी मेंबरशिप का आप नाम रख लेंगे ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ पे मंथली प्राइस का ऑप्शन है, कंट्री इंडिया ही रहने देंगे। यहाँ पे प्लान्स देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे प्लान्स यहाँ पे दे रखे हैं, जो आपको सूटेबल लगे वो आप इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पर्क हैं, यहाँ पे ये लॉयल्टी बेजेस हैं और ये इमोजीज हैं, ये भी हमें ऐड करने पड़ते हैं, ये आपको मैं अगले स्टेप्स में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे ये कह रहा है प्रायोरिटी रिप्लाई टू कमेंट्स, ये इसमें ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो गया है। उसके बाद इसमें यहाँ पे हम ऐड पर्क भी कर सकते हैं, ऐड पर्क पे क्लिक करेंगे और इसमें मैं चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं चाहता हूँ मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम, इसमें मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसका टाइटल ये रख देंगे, ठीक है। मैं प्रायोरिटी रिप्लाई टू कमेंट्स इसको नहीं करना चाहता, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप इसे ही कॉपी करके लिख सकते हैं, सी कंट्रोल वी यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, कैन इंक्लूड लिंक्स भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे उनसे यूट्यूब से रिलेटेड टॉपिक पे ही बात करूँगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओनली चैट फॉर यूट्यूब चैनल या ओनली टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल, ठीक है। इस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसे डन कर देंगे। उसके बाद सेकंड वाले पे आएंगे, इसमें यहाँ पे जो ये एडिट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे
इसमें हमें इसका नाम रखना है, उसका सिल्वर रखा था, इसका हम गोल्ड रख देते हैं, होल्ड। उसके बाद यहाँ पे कंट्री इंडिया ही रहना है। यहाँ पे आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं, जो सा भी आप प्लान रखना चाहते हैं। जैसे 299 है ये, इसमें 159 भी है, ये सारे प्लान हैं इसमें, तो मैं 299 ही रखना चाहता हूँ अभी, तो यही रख सकता हूँ। मैं 159 भी रख सकता हूँ, 799 भी रख सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कुछ भी इसमें सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं 299 का प्लान रखना चाहता हूँ। इसमें मैं यहाँ पे क्या क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ चुका है सारी चीज़ें। तो इसमें हम सबसे पहले तो एक ऐड पर करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग वाला। ऐड पर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लाइव स्ट्रीम वाला ऑप्शन है, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें मैं चाहता हूँ फोटो स्टेटस अपडेट, ये वाला ऑप्शन देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये वाला नहीं देना चाहता मैं, एक्सेस अर्ली एक्सेस टू न्यू वीडियोस भी नहीं देना चाहता, नहीं शूट आउट्स भी नहीं देना चाहता, ये भी नहीं। प्रायोरिटी कमेंट वाला मैं इसमें ऐड कर लूँगा। जैसे ये वाला पर्क ऐड हो गया, इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ऐड पर्क पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम कोई दूसरा पर्क ऐड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पर्क यहाँ पे दे रखे हैं, अर्ली एक्सेस टू न्यू वीडियोस, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, लाइव स्ट्रीम, उसके बाद मेंबर शूट आउट, सिक्योरिटी रिप्लाई टू कमेंट्स, ये वाला हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद हम चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, ये तीन चीज़ें ऐड हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसे डन कर देंगे, ये तीन हमें इसमें ऐड करने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें फोटो स्टेटस अपडेट्स, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम, प्रायोरिटी रिप्लाई टू कमेंट्स, ये हमने डाल दिया है। इसमें मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम है, और यहाँ पे हम एक और ऐड कर देंगे, चैट वाला भी ऐड कर देंगे। मेंबर्स के साथ ऑनलाइन जब रहेंगे तो हम वहाँ पे उनके साथ चैट भी कर सकते हैं। नीचे करेंगे, बिल्कुल ऐड पर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मेंबर्स ओनली लाइव चैट, ये भी अनेबल कर देंगे, यहाँ से डन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये थर्ड वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है हमें एडिट पे। यहाँ पे इसका नाम रखेंगे हम सबसे पहले, डायमंड रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे हम प्लान सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें सूटेबल लगे, यही वाला प्लान रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे पर्क ऐड हो रखे हैं, कनेक्टिंग ऑन सोशल मीडिया, पर्क यूनिक टू योर ऑडियंस, इसे हटा देंगे हम, इसकी जगह हम यहाँ पे और पर्क्स ऐड करेंगे। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख कर देंगे ये वाला अर्ली एक्सेस टू न्यू वीडियोस, ये ऐड कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे एक और ऐड पर्क पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ से और भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या है, फोटो स्टेटस अपडेट्स ये तो उसमें हो गया, एक्सक्लूसिव वॉलपेपर्स हो गए, मेंबर्स लाइव स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं इसमें, ये भी ऐड कर देंगे, और इसमें ऐड पर पे क्लिक करेंगे, फिर और भी ऐड करेंगे इसमें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम अपना भी बना सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम कॉल के लिए बना सकते हैं कि हम कॉल भी कर सकते हैं। तो ये कॉल ऑन डिमांड वंस इन ए मंथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड पर कर सकते हैं, और भी ऐड कर सकते हैं इसमें हम, यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ से इसको भी छोटा कर सकते हैं, इसको भी यहाँ से बंद कर सकते हैं, तो ये एक साथ दिखाई देंगे। कनेक्टिंग सोशल मीडिया, अर्ली एक्सेस टू न्यू वीडियोस, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम, कॉल ऑन डिमांड वंस इन ए मंथ, और भी हम चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे फोटो एंड स्टेटस अपडेट्स हैं, ये है, ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं हम। तो जो हमारी ये वाली मेंबरशिप ज्वाइन करेगा उसको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं अगर कोई ये 89 वाला बैच लेता है, सिलेक्ट करता है, तो इससे हमें मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन है, मेंबर्स ओनली लाइव चैट्स का ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद कोई गोल्ड वाले लेता है तो उस पर फोटो स्टेटस अपडेट भी मिलते हैं, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है, और इसमें मेंबर्स ओनली लाइव चैट
ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें ऐड पर पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम मेंबर्स ओनली लाइव चैट ये वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे डन कर लेंगे। अब ठीक है, इसमें ये दो ऑप्शन है, इसमें ये चार हो गए और इसमें ये सारे ऑप्शन आ गए, उसके बाद ये तीनों हो गए। उसके बाद यहाँ से हम चाहें तो ऐड लेवल करके और लेवल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, फिलहाल मैं यही तीन रखना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई हैं जो जो हमने एक्सेस के लिए दे रखा है। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड आ जाता है, यहाँ पे आई एम अनेबल टू चेंज प्राइजेस इस पे क्लिक करेंगे, ये सबमिट फॉर रिव्यू करेंगे, यहाँ पे इस वाले इसका आइकन को भी क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये बोल रहा है विद इन 24 आवर्स में ये डन हो जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम 1 आवर लेता है, उसके अंदर ही ये हो जाता है, तो हम उसका लिए वेट कर लेंगे। उसका अपलोड बेजिस एंड इमोजिस, इसके बाद ये ऑप्शन है, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ से हम बेजिस इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपने भी यहाँ से सिलेक्ट इमेज करके कर सकते हैं, और यहाँ पे यूज जेनरिक यूट्यूब बेजिस अगर हम ये करना चाहते हैं तो ये वाले भी हम रख सकते हैं। जैसे कोई न्यू मेंबर आता है तो ये ग्रीन दिखाई देगा, 1 महीने बाद ये ब्लू हो जाएगा, 2 महीने बाद ये एस कलर में हो जाएगा, ऐसे सब है ये रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये इमोजिस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इमोजिस सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, अभी मैं ऐसे नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे ही सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये डन हो चुका है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे अनाउंस योर मेंबरशिप, यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे पहले, यहाँ पे आप अपनी मेंबरशिप की कोई वीडियो बना के डाल सकते हैं जिसमें ये की पॉइंट्स हैं कि आपके बटन को आपकी मेंबरशिप को क्यों ज्वाइन करें, तो उसमें क्या क्या ऑफर करेंगे, ये सारी वीडियो यहाँ पे आप अपलोड करके डाल सकते हैं। मैंने इसकी वीडियो बना रखी है तो मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा, अनलिस्टेड वीडियो ये यहाँ पे आ गई, यहाँ से सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, यहाँ पे मेरी वीडियो ये रही, इसके ऊपर ओपन पे क्लिक करना है। जब ये आपकी वीडियो अपलोड हो जाए इसमें आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधा आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे इसको बस सेलेक्ट कर लेना है नो, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी मोनेटाइजेशन ऑफ ही रखना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसमें भी कुछ नहीं छेड़ना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे, और इसको हम अनलिस्टेड करेंगे, इसके बाद हम इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ से हम इसका मोनेटाइजेशन ऑन कर लेंगे, सेव कर देंगे, या आप देख सकते हैं ये हो चुका है, रेस्ट्रिक्शन भी नन हो गई है, मोनेटाइजेशन भी ऑन हो चुका है, अनलिस्टेड वीडियो है। इसके बाद हमें वापस अपने उसी ऑप्शन पे आना है यहाँ पे, इसके बाद हमें इसे डन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये डन हो गया है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे पोस्ट टू वेलकम न्यू मेंबर्स ये हमसे बोल रहा है यहाँ पे अपने मेंबर्स के लिए पोस्ट करने के लिए, यहाँ पे हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें क्रिएट कम्युनिटी पोस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, मतलब जो भी आपके चैनल पे मेंबर जुड़ेगा मेंबरशिप लेके उसके लिए हमें पोस्ट डालनी है, ये यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है, मैंने बना रखी है तो मैं उसी पोस्ट को यहाँ पे डाल देता हूँ, ये है इमेज, इसको सिलेक्ट करके यहाँ ओपन कर लेना है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिबिलिटी जो है वो चैनल मेंबर्स के लिए ही है, यहाँ पे आप उनके लिए कोई भी मैसेज लिख सकते हैं जैसे थैंक यू सो मच, उसके बाद यहाँ पे नीचे करके आप इसे यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। जैसे ही पोस्ट पे क्लिक कर रहा है ये यहाँ पे पोस्ट हो चुकी है, उसके बाद वापस उसी ऑप्शन में आना है, यहाँ पे ये सक्सेसफुली आ गया है, उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है, ये हो चुके हैं सारे डन डन, उसके बाद ये सारे हैं, ये हमारा रिव्यू में है, ये कुछ टाइम बाद इसका जो ये रिव्यू है ये डन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कुछ टाइम तक वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं मैक्सिमम हाफ आवर वेट करने के बाद मुझे ये मेल आ चुका है, योर पर्क्स हैव बीन अप्रूव्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर वन स्टेप क्लोजर टू लॉन्चिंग मेंबरशिप्स ऑन योर चैनल एंड रीचिंग योर फैंस इन न्यू एंड एक्साइटिंग वेज।
तो यहाँ पे एक गो टू यूट्यूब स्टूडियो बोल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा स्टूडियो जो है ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये टर्न ऑन वाला ऑप्शन इनेबल हो गया और ये 100% कंप्लीट हो गया है। और जो हमारा ये प्लान था, ये देख सकते हैं आप, अप्रूव्ड हो चुका है 89,299। और ये भी सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं नीचे भी, ठीक है। तो इसमें हम टर्न ऑन पे क्लिक करना है हमें, टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं ज्वाइन बटन अपीयर हो जाएगा हमारे चैनल पेजेस पे। द मेंबर्स ओनली पोस्ट यू क्रिएट विल बिकम विजिबल टू एवरीवन जॉइंस द चैनल। जो हम भी हम पोस्ट करेंगे मेंबर्स के लिए, तो जो भी हमारे मेंबर जुड़ता जाएगा वो उसके लिए विजिबल होता जाएगा पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट जो है वीडियो की, वो पब्लिक कर लेंगे हम। जो हमने वीडियो बनाई है स्पॉन्सरशिप की, वो ये टर्न ऑन होने के बाद हमें पब्लिक कर लेनी है। उसके बाद गेट रेडी टू स्टार्ट डिलीवरिंग द पर्क्स यू प्रोमिस्ड। जो हमने इसमें ऑफर्स किए हैं वो हम अपने मेंबर्स को देंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक करना है। टर्न ऑन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंबरशिप का जो ये सेक्शंस था, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका मेंबरशिप रेवेन्यू है। जो भी आपका रेवेन्यू होगा वो यहाँ पे शो होगा आपका। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पे मेंबरशिप ऑफर हैं, बजेस हैं, इमोजीज हैं। इमोजीज मैंने अभी सिलेक्ट नहीं करे, हम यहाँ 4 तक इमोजीज ऐड कर सकते हैं अपने। कोई कमेंट करे तो उस पर इमोजीज हम भेज सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आप अपने चैनल की मेंबरशिप को डिसेबल करें, तो आप यहाँ से मेंबरशिप को डिसेबल भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में मिलेंगी। यहाँ मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना है। मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट्स पे क्लिक करते हैं जैसे। उसके बाद हमें ये मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद मेंबरशिप में आना है। यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ चैनल कैसा दिखाई देगा। न्यू टैब में आना है, YouTube.com पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे योर चैनल में आएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये ज्वाइन बटन आ गया है। इस ज्वाइन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्लान्स इस तरीके से आ जाएंगे। सिल्वर का लेंगे तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद गोल्ड का लेंगे तो ये सब है, डायमंड का लेंगे तो ये सब है। इस तरीके से ये शो होगा। यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देनी है। उसके बाद यहाँ से क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज्वाइन बटन की सारी सेटिंग्स अच्छे से समझ में आई होंगी। इस तरीके से हम ज्वाइन बटन को अपने यूट्यूब चैनल पे इनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।